السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے لم پارک کی، جو کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن ڈزلی اسٹاک پورٹ میں ہے، اور یہ تقریباً 25 مائل کے فاصلے پر ہے مانچسٹر سے۔ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے، اور پیچھے جو آپ میرے ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے، اور اس کی بلڈنگ کی دوسری طرف آپ دیکھیں گے ایک بہت ہی خوبصورت گارڈن ہے، گارڈن کی بھی سیر کرائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا بڑا اور خوبصورت پارک ہے، جس میں آپ ایک اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھی پکنک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اس پارک کی سیر کرتے ہیں۔ تینوں حضرات، یہ اس وقت جو آپ تمام سارا ایریا دیکھ رہے ہیں، یہ سارا یہ
लाइम पार्क का ही हिस्सा है। बहुत बड़ा ये पार्क है और अभी हम थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं। मेरे पीछे एक बहुत पुराना इनका टावर है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल में कुछ जेल नुमा बिल्डिंग है और यहाँ सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाऊँ इस पार्क को। बहुत बहुत बड़ा ये पार्क है जैसे कि मैंने कहा। तो ये देखिए ये जहाँ पर, और यहाँ पर आपको हिरन भी देखने में मिलेंगे, पारासिंगा और इस तरह के जानवर आपको देखने में मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल वो आज़ादी के साथ घूमते फिरते हैं। तो ये वो टावर है बिल्कुल इस पार्क के बिल्कुल वस्त में, ऊंची जगह पे है। ये देखिए आपको यहाँ पर मौसम साफ हो तो बिल्कुल मेरे सामने ये मैनचेस्टर सिटी में बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नज़र आती हैं। ये देखिए, तो ज़रूर आइएगा इस पार्क में, ज़रूर सैर कीजिएगा। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत, और आपका तकरीबन सारा दिन पूरा दिन लग सकता है इस पूरे पार्क की सैर करते हुए। ये देखिए हर तरफ फैला हुआ है और हर किस्म के यहाँ पर वो हिरने पाई जाती हैं जो आपको आप उनको देख सकते हैं घूमती फिरती। हिरने, बारासिंगी और इसी तरह के भेड़ बकरियाँ भी आपको आज़ाद फिरती हुई नज़र आएंगी।